पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो के निर्देशानुसार कल एक घोषणा की गई थी, जिसमें टॉप 10 वांटेड अपराधियों पर शिकंजा कसने को आदेश दिया गया था। जिसके बाद आज मनेर थाना अंतर्गत एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें पुलिस अवर निरीक्षक राजीव रंजन थाना अध्यक्ष मनेर एवं पुलिस अवर निरीक्षक शशि रंजन, सहायक अवर निरीक्षक राजेश कुमार यादव एवं थाना के सशस्त्र बल के सिपाही के साथ एक साथ चार बड़े कांडों में संलिप्त कुख्यात अपराधियों की धड़ाधड़ गिरफ्तारी की गई। आपको बता दें कि इस गिरफ्तारी की श्रृंखला में कई वारदातों से पर्दा हटाया गया, जिसमें पहला केस शेरपुर गंगा घाट पर अवैध वसूली के दौरान नाविक रुदल महतो की गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसके बाद वादनी झुनिया देवी पति स्वर्गीय रुदल महतो के द्वारा केस दर्ज कराया गया था, जिसके आलोक में 14 मई 2022 को पुलिस पदाधिकारियों द्वारा गठित विशेष सशस्त्र बल ने फरार अभियुक्तों की गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तारी की गई। दूसरे कांड लोदीपुर बालू मार्केट का है, जहां मार्केट के सामने कुणाल कुमार पिता राम भजन सिंह की अज्ञात अपराधियों द्वारा डकैती की गई थी, जिसमें कांड उद्भेदन के पश्चात डकैती की गई गाड़ी बरामद कर ली गई, जिसके बाद इस घटना में संलिप्त अपराधियों की गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तारी की गई। यह सभी मनेर थाना के मुख्य 10 अपराध कर्मियों में शामिल हैं। तीसरी घटना में 14 मई 2022 को दिन में करीब 12 बजे गुप्त सूचना मिली कि राम नगीना सिंह हाई स्कूल के आगे बांध पर काला रंग का कपड़ा पहने हुए एक युवक अपने हाथ में कट्टा लेकर फायरिंग कर रहा है। इसके बाद पुलिस द्वारा गठित टीम के आधार पर उक्त व्यक्ति को बताए गए स्थान पर छापेमारी की गई, तब पुलिस की गाड़ी देखकर अपराधी हथियार फेंक कर भाग गया। हालांकि अब तक वह पकड़ में नहीं आया, पर उसके पास से एक देसी कट्टा और एक पिस्तौल बरामद किया गया है। चौथी घटना में वादी कपिल राय पिता मोहताब राय के द्वारा लिखित आवेदन पर 14 मई 2022 को दिन में पुलिस अवर निरीक्षक राजीव रंजन थाना अध्यक्ष मनेर एवं थाना के पुलिस पदाधिकारी पुलिस अवर निरीक्षक शशि रंजन, पुलिस पदाधिकारी पुलिस अवर निरीक्षक मुमताज अंसारी एवं थाना के सशस्त्र बल के सिपाही के साथ कांड में फरार अभियुक्तों की गुप्त सूचना के आधार पर गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार अपराधियों की फहरिस्त में सभी वांटेड अपराधी कौन कौन से हैं, उनके बारे में जानने के लिए देखिए हमारी ये रिपोर्ट। देंगे बिहार डीजीपी द्वारा निर्देशानुसार मेजर हेड्स में अरेस्टिंग के लिए काफ़ी जोर दिया जा रहा है। उसी के फलस्वरूप एक विशेष टीम का गठन किया गया था। मनेर थाना अंतर्गत SHO साहब, सब इंस्पेक्टर राजीव रंजन, SI शशि रंजन और ASI राजेश कुमार यादव, उसके अलावा SI मुमताज अंसारी व सशस्त्र बल के साथ कल एक बहुत काफ़ी अच्छा उपलब्धि हुआ है, जिसमें आपको चार केसेस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला केस है 752-21, जिसमें एक 302 का मामला है, मर्डर केस है ये, जिसमें एक अवैध बालू वसूली के क्रम में एक नाबालिग बच्चे की रुदल महतो करके उसकी हत्या कर दी गई थी। उसी के क्रम में दो अरेस्टिंग की गई है, जिसमें एक धर्मेंद्र राय करिया उर्फ देवनाथ राय, इन दो व्यक्तियों को एक फिल्मी स्टाइल में दानापुर कैंट के पास में इनको अप्रिहेंड किया गया। उसके अलावा मनेर थाना अंतर्गत एक और केस जो डिकॉयटी का केस हुआ था, कांड संख्या 245-20, ये करीबन 2 साल पहले मछली की गाड़ी का डकैती किया गया था। उसी क्रम में 2 लोगों को पकड़ा गया है, उनका नाम रंजीत कुमार और भुलावन और विनय कुमार है। इसके अलावा आज सुबह एक जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति जो रामनगीना सिंह हाई स्कूल के बांध के आगे जो है हथियार को लहराते हुए भाग रहा था, काला रंग का टी शर्ट उसने पहना गया था। जब थाना से फोर्स भेजा गया तो उसी क्रम में उस व्यक्ति जो है वो उसका किस्मत अच्छा था, वो सफल रहा भागने में, लेकिन उसके पास से जो दो ये वेपन है उनको रिकवर किया गया, एक पिस्तौल है एक देसी कट्टा है। इसके अलावा मनेर थाना एक और केस हुआ था 141-22, जिसमें 307 व 27 आर्म्स एक्ट लगा था, जिसमें एक कपिल राय करके व्यक्ति है उनको गोली मार दी गई थी, जिसमें एक ऑलरेडी अरेस्टिंग की गई थी अजय नामक व्यक्ति की शेरपुर से, दूसरे आदमी की पवन राय की अरेस्टिंग मुमताज जो अंसारी हैं सब इंस्पेक्टर मनेर थाना, उनने एक और अरेस्टिंग की है। इसके अलावा हम आपको बता दें कि 3 और केसेस हैं जो किडनैपिंग के केसेस हैं, उसमें मनेर थाना का काफ़ी अच्छा अचीवमेंट है, जिसमें 3 लड़कियों की बरामदगी की गई है। इसके उपरांत 164 का बयान और मेडिकल उनका कराया जाएगा, आगे की कार्रवाई चल रही है। इन लोगों का आपराधिक इतिहास भी है जो आपको इस प्रेस विज्ञप्ति में मिल जाएगा।